हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और टाइम हो गया सुबह के सवा ग्यारह बज चुके हैं और मैं हूँ, मेरे साथ है रवि जी। हम दोनों जा रहे हैं इलेंटा मॉल चंडीगढ़। अभी चंडीगढ़ की रोड पे ड्राइव कर रहे हैं। सो अभी हम जा रहे हैं इलेंटा मॉल में और वहाँ पे आज मीटअप है हमारा साहिल राणा के साथ। हम जा रहे हैं इलेंटा मॉल में, सामने आ गए हैं पुलिस वाले, तो फोन कर लेते हैं एक बार कैमरा नीचे। तो भाई अभी निकल चुके हैं हम घर से, देखते हैं वो वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में हम मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको सीधे इलेंटा मॉल में। ओ हाँ जी प्रधान जी, रूल जो है वो है चंडीगढ़ के, कोई भी गाड़ी जो है वो 60 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रही है, आप देख सकते हो। और हम भी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं हर जगह। अगर आप जाओगे तो ऑनलाइन जो चलाना है वो तुरंत आ जाएंगे। करते हो बेल्ट भी नहीं है, अगर फोन पे बात भी करते हो बेल्ट भी नहीं है तो भी आपका चलान ऑनलाइन आपके घर चला जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा कुछ पहुंच जाता है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ आते हो चंडीगढ़ तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है आपको, यहाँ के रूल फॉलो करने की। जेब्रा क्रॉसिंग है, उससे पीछे आपको गाड़ी स्टॉप करनी पड़ेगी। बहुत से रूल है ऐसे कि अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका चलान निश्चय ही है। कोई नया बंदा आता ना तो उसका 100% चलान यहाँ पर होता ही होता है, वो किसी भी ये तो कंफर्म है भाई। यहाँ पे नया बंदा आता है तो चलान कंफर्म है। हम भी 2-3 बार करा चुके हैं पहले, बट बाद में हमें पता लग गया तो रूल फॉलो करने लग गए। बाकी सिटीज की तरह नहीं है कि हाँ हर कहीं से निकाल दी, लाइट क्रॉस कर दी और कहीं भी जेब्रा क्रॉसिंग करके रुक गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई साहिल जो है वो इलेंटा मॉल पहुंच गया है और मेरा वेट कर रहा है, बट क्या करे, 60 से ऊपर गाड़ी को भगा नहीं सकते, चाह कर भी नहीं चला पा रहे हैं। 40, 45, 50 इससे ज्यादा चला नहीं सकते क्योंकि 60 से ऊपर तुरंत चलान हमारे फोन पे आ जाएगा, 6,500 का चलान तुरंत आ जाएगा। तो बहुत सोच समझ के गाड़ी चला रहे हैं और हमें हो रही है जल्दबाजी की जल्दी से वहां पे पहुंच जाए, बट पहुंचे कैसे, गाड़ी तो तेज चला नहीं सकते। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पहुंच जाएंगे। भाई इलेंटा में फाइनली हम पहुंच चुके हैं और हमारी पार्किंग जो है वो आप देख सकते हो, ये साहिल भाई की कार है मस्टैंग। और अभी हम जा रहे हैं साहिल के पास क्योंकि इलेंटा में पार्किंग हमने लगा दी है। हम फोन चेक कर लेते हैं, गाड़ी करते हैं क्लोज और निकलते हैं फिर ऊपर मॉल के अंदर। भाई गाड़ी हमने लगा दी है पार्किंग यहाँ पे और अभी जा रहे हैं साहिल के पास क्योंकि साहिल की कार के साथ ही अपनी गाड़ी भी लगी हुई है। और अंदर जाके देखते हैं कि पहले फ़ोन करते हैं कि पूछते हैं कि कहाँ पे है वो, अभी पता नहीं है कि अंदर कहाँ पे मिलेंगे, बट फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। दोनों भाई 6 फीट के हैं और 6 फीट से ऊपर बंदा भी आपको दिखाऊंगा, अभी मिलेगा अंदर। भाई फोन कर रहा हूँ, फोन उठा नहीं रहा है विकास। फिर से लगाना पड़ेगा, विकास फोन उठा नहीं रहा है, पता नहीं वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। हेलो खड़ा है ऊपर गण साहब, लाऊ मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, ग्राउंड पे। भाई साहिल जो है वो है 2nd फ्लोर पे, विकास से मैंने बात की है जो उसके साथ ही है और अभी वो है 2nd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे जाके मिलते हैं अभी। गाइस अभी साहिल से मिलके बिल्कुल आ चुका हूँ, तो हमने साथ में डिनर किया है, डिनर करके और मैं निकल चुका हूँ अभी सोलन की तरफ। मैं हूँ, मेरे साथ पूरी टीम, एक थार ये खड़ी ये वाली और ये होंडा सिटी, ये 2 गाड़ियाँ हैं और एक मेरी वाली थार। तो हम प्लान कर रहे हैं सोलन की तरफ जाने का, उससे पहले हम सोच रहे हैं कि हम 8 लोग हैं और गाड़ियाँ हैं 3, तो सोच रहे हैं कि 2 गाड़ियाँ 2 थार में हम शिफ्ट हो जाते हैं और एक गाड़ी को कहीं पेट्रोल पम्प पे या किसी ढाबे पे पार्क कर देते हैं, 2 थार जो है वो लेके हम जाएंगे सोलन। बट कुछ दोस्त है जो नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम इसी में जाएंगे, देखते हैं क्या बनता है, 2 जाएगी या 3 हो जाएगी अभी पता लग जाएगा। तो गाइज
प्लान जो है वो तीनों गाड़ियों का बन गया और तीनों गाड़ियां जा रही है सोलन, क्योंकि पहले हमने बोला था तो बंदे ने बोला कि नहीं मैं गाड़ी करी कहीं और खड़ी नहीं कर सकता, हर कहीं पे पार्क नहीं कर सकता। तो एक भाई की गाड़ी है, एक मेरी वाली और एक गाड़ी होंडा सिटी, ये तीन गाड़ियां तीनों सोलन जा रही है। सो निकल पड़े हम, कितना कितना दूर रह गया सोलन हमारा? रह गया जी 32 किलोमीटर रह गया, 32 किलोमीटर और है, ज्यादा ज्यादा एक घंटे की ड्राइव, एक घंटे में पहुंच जाते। देखते वहां का वेदर कैसा है, वो तो वही जाके पता लगेगा। ये देखो जो बारिश हुई थी पीछे, उस टाइम पे कितना ये हुआ था, ये तो साइड में लैंडस्लाइडिंग, कितने पहाड़ जो है वो नीचे गिरे थे, आप देख सकते हो भाई। वो एक गाड़ी को भी लगी थी ना, वो पता नहीं कहाँ की थी, है ना, पूरी गाड़ी का कुचुंबर बन गया था, पूरी ऐसी दिसी हो गई थी गाड़ी। ये देखो कितना मलबा नीचे गिरा है यहाँ से, ये यहाँ से मेरे को लगता है कि कोई ना कोई झरना आया है, सारा मलबा लेके आ गया नीचे। ये बारिश के दिनों में तो भाई बहुत बड़ा रिस्क है, बारिश के टाइम पे तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। तभी तो हम आने से पहले भी डर रहे थे कि पता नहीं वहाँ पे कब पहाड़ गिर जाए, बट बन गया अचानक प्लान तो निकल पड़े। ये देखो इस साइड वाली रोड ही खत्म है, मेरे को लगता है नीचे गए, दोबारा बना रहे हैं, दोबारा बनेगी ये रोड, गई वो रोड, ये देखो खत्म हो गई वो रोड, सारी रोड गई नीचे। ये देखो एक ही लाइन में सारी गाड़ियां आ रही है जा रही है, ये फोर लाइन हाईवे है। तो मैं कैमरा नीचे कर लेता हूँ, पुलिस वाला भाई खड़ा है, चालान कटने में देरी नहीं लगेगी, चालान वाले नहीं आप करो, ये देखो सेफ्टी वाले। तो भाई ये मलबा देखिए, ये दोबारा डाला गया है यहाँ पे सड़क बनाने के लिए मेरे को लगता है, या ऊपर से साइड में किया इसको। कितना लंबा पहाड़ टूटा है, पूरी सड़क धस गई उस साइड ही, क्या हाल हुआ है भाई, बहुत खतरनाक ही बारिश हुई है मेरे को लगता है यहाँ पे, ये अगर ये वाला किसी पे गिर जाए तो रवि जी क्या करे फिर, मेरे को तो लगता है यहीं से वापस ले ले भाई, जान तो जान है, क्या पता यहाँ पर क्योंकि बारिश का माहौल बन रहा है, कोई पता नहीं, ऐसा है कि आज 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 धूप निकली हुई है तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ का कुछ नहीं पता भाई कब मौसम चेंज हो जाए यहाँ पे, क्योंकि आना तो फिर भी लगा रहेगा, अगर जीते रहे तो फिर तो आ जाएंगे, अगर ये एक भी पत्थर ऊपर गिर गया ना तो हम दोनों तो गए भाई, यहाँ का पता नहीं लगेगा। ऐसे धूप निकली हुई है तो मुझे नहीं लगता कि बारिश होनी चाहिए, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो हम अच्छे से पहुंच जाएंगे। बादल देखो ना आप, बादल देखो आगे कितने हो रहे हैं, तेरी आगे देखो बादल, ये देखो भाई, ये रोड की पूरा यहाँ से हटाया गया, देखो इसके ऊपर भी तो है ना, पूरे फुटपाथ पे, उस साइड में पत्थर देख लो, वो इधर से गए हैं तो पत्थर सारे इधर से गए हैं भाई, खतरनाक काम हुआ है बारिश के टाइम पे तो, बस ऐसा है कि आज के दिन बारिश ना आए, आज ना आए भाई, हम जाकर आ जाए बस, इसीलिए मैं बारिश के टाइम पे कभी पहाड़ों में नहीं जाता, तो स्टे नहीं करना हम लोगों ने वापस आना, इसीलिए स्टे नहीं करना, अप डाउन करना है, सिर्फ अप डाउन गए और वापस। तो भाई फाइनली पेट्रोल पंप आ गया है, और ये इन्होंने भी पेट्रोल डीजल डलवाना है और हम भी डलवाएंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद देखते देखते मीटर आप देख सकते हो कि बिल्कुल रिजर्व में है, उनको पैसे दो गाड़ी के लिए। ये देखिए येलो लाइट चल रही है और अभी भाई से डलवाते हैं डीजल, अब ड्राइव करेंगे रवि जी, क्योंकि मैं बनाऊंगा वीडियो तो बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि साथ में ड्राइव और पहाड़ों में वीडियो साथ में नहीं बन पा रही है, तो ड्राइवर होंगे चेंज। तो भाई ये देखो जेसीबी अभी भी लगी हुई है, क्या हाल हुआ था पहाड़, तो ऊपर से गिर गया, गिरा पहाड़, उस साइड की रोड ही खत्म हो गई भाई, पूरी रोड पे पहाड़, कितना ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हुआ है इस साइड में, इतना है तो भाई वो दूसरी साइड में मनाली साइड में तो बहुत ही ज्यादा हुआ होगा। ये देखो रोड क्लीन की है अभी की अभी, देख रहा है रोड भी रेड रेड हो गई है सारी, गजब का सीन हुआ है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है उस साइड में जो गाड़ियां चल रही थी उनमें से एक आध तो पक्का गई, एक आध तो पक्का गई है, क्योंकि पूरा मलबा यहाँ तक आया हुआ है, पूरी रोड रेड हो ही पड़ी है, तो देख लो आप अंदाजा लगा सकते हो इससे कि कितना बड़ा ये लैंडस्लाइडिंग हुआ है यहाँ पे। ये लैंडस्लाइडिंग हुआ तो साथ में ऊपर से पेड़ पौधे भी आए होंगे,
ये देखिए आया है सब कुछ पड़े हुए हैं ना नीचे देखो। ये देखो भाई अभी अभी बात ही कर रहे थे कि पेड़ देखो कैसे वो माय गॉड ये वाले देखो भाई कितने बड़े बड़े पेड़ आए हैं ऊपर से तगड़ा ही सीन हुआ है। ये बता रहे हैं कि 1988 के बाद में ये हुआ है मतलब तकरीबन ज्यादा नहीं तो ये मतलब आप देख लीजिए 35 साल हो गए 35 साल बाद में ऐसी ऐसा हुआ है ऐसा बारिश का माहौल हुआ है यहाँ पे हिमाचल में 35 साल बाद ऐसी मतलब इतना लैंडस्लाइडिंग है इतना 35 साल बाद में हुआ है 1988 में हुआ था भाई। वो घर जो दिख रहे हैं देखो वो भी नीचे कभी भी गिर सकते ऐसी अगर बाढ़ दोबारा आए ऐसी बारिश ज्यादा हो तो यहाँ पे चक्कर है ना बाढ़ नहीं आती यहाँ पे सीधा ना वो जितना भी नहीं जितना भी वो बादल वाला पानी होता ना वो एक ही जगह गिर जाता है उसे बदल फटना बोलते हैं ना वो वाला काम होता तो वो सारी बाढ़ फिर बाढ़ आ जाती है वो सारी और वो ही अपने साथ सारे बस ये पहाड़ पत्थर बड़े बड़े ये सारे ले आती है ये सीन है। ओ भाई डर तो इसका भी लग रहा है। ये देखो अपनी तो गाड़ी इधर ही रखो भाई इधर नहीं जाना इधर अच्छा इधर इधर खाई में जा रही है इधर लैंडस्लाइड इधर देखो लैंडस्लाइडिंग हुई पड़ी है ये हाल है भाई यहाँ पे तो बहुत भयंकर हाल हुआ है। वो रोड कैसे पूरी नीचे अंदर गई है ये तो सोच लो कि हम लोग धूप में आए हैं ये मौसम ठीक देख के आए हैं अगर यहाँ पर उस टाइम पे आ जाए तो बंदा पागल हो जाए हम लोग तो 2 किलोमीटर नहीं आ सकते थे हम तो चले जाते बरसात के टाइम पे यहाँ पे तो मौत को बुलाने वाला काम है बरसात के टाइम पे तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आना देखा कैसे रोड ही बिल्कुल नीचे गई है अभी इसीलिए बना रहे हम लोग आपको बस बताया जाए कि इस साइड में आओ तो सोच समझ के आना क्योंकि भाई बारिश के टाइम पे बिल्कुल मत आना मैं तो सीधा यही गाइड करूंगा बारिश के टाइम पे आओगे तो खतरा उठाओगे बारिश में मत आना यार अपनी रिस्क पे आओ भाई बारिश पे आओ तो हम नहीं सलाह देते किसी को बारिश पे आने की भाई साहब 2-4 करोड़ की एलआईसी करा के एलआईसी करा के फिर आ जाओ फिर कोई दिक्कत नहीं है घर वालों के लिए। तो अभी मेरे को लगता है कि सोलन का ये लास्ट मतलब सोलन हमें जाना है उसका ये लास्ट स्टॉपेज है टोल टैक्स है ना टोल टैक्स है इसके बाद टोल टैक्स थोड़ी आएगा अब तो सोलन ही आएगा सीधा ना। चलो सुबह ये खड़े हैं देखो पुलिस वाले तो किसी भी वक्त रोक सकते हैं बाहर की गाड़ियों को बट ये लगते तो नहीं है पुलिस वाले से दिखाई जाओ। ओहो भाई कितने कितने बड़े पत्थर आए हैं ऊपर से कसम का हाल हुआ है यहाँ पे तो भाई जब से चले हैं तब से यही हाल चल रहा है जब से हम नीचे से पहाड़ों की चढ़ाई स्टार्ट किए है तभी से ये हाल हो गया है। एक पेट्रोल पंप और आ गया फिर से तो अब तो पेट्रोल पंप आएंगे ना जब हम ढूंढ रहे थे तब नहीं आ रहे थे। तो भाई PB10JC2277 ये थार भी हमारी है और एक गाड़ी का पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे उसमें स्पेशल लोग बैठे हुए हैं वेरी स्पेशल नहीं आगे बताओ अच्छा फोन आ गया उनका एक गाड़ी स्पेशल है भाई वो आगे पीछे कहाँ जाती है पता नहीं है। हेलो अभी फोन आया उनका आपके पीछे पीछे जी कहाँ चल रहे हो आप लोग नहीं नहीं वो ब्लॉग चल रहा है ना रली जी का तो भाई स्पेशल लोग बैठे हुए हैं हम कह रहे थे कि हमारी 2 गाड़ियों तो साथ में है दोनों थार और तीसरी गाड़ी का लापता है वो गाड़ी लापता है वो उसका नहीं पता आपका दो थार साथ में है एक गाड़ी का पता नहीं वो स्पेशल बंदे हैं आगे हैं पीछे हैं कहीं भी जा सकते हो कहाँ खड़े हो मेन रोड पे खड़े हो गया आप लोग अभी वो खड़े हुए हैं भाई देखते हैं कहाँ मिलेंगे ना
क्यों चलो जा जड़ जाए बट चलो क्या हुआ वापस क्यों घुमाई गाड़ी वो दूसरे के लो रास्ता जो था वो नीचे अलग चला गया है कि टूटा हुआ है टूटे हुए देख के वापस घूम गए तो भाई रास्ता आगे टूटा हुआ है बिल्कुल पूरी तरीके से तो देख के घूम गए हैं तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस देखते हैं कौन से मोड़ पे लेके जाते हैं तो यहाँ से तो वापस निकल रहे हैं क्योंकि रास्ता आगे खराब है बिल्कुल टूटा हुआ है तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने के लिए हमें एक जगह मिली है और साथ ही साथ हमें एक होटल भी दिखाई पड़ी है जो कि आप देख सकते हो ये वाली इसके रूप टॉप पे हमने करनी है पार्टी और यहाँ से फिर निकल जाना है तो अभी जाते हैं होटल के अंदर देखते हैं कि कैसा रूप टॉप है तो भाई गज़ब का व्यू है यहाँ से और काफ़ी अच्छी यहाँ पे सुविधा है काफ़ी अच्छी बैठने की व्यवस्था है तो यहीं पे होगी आज की पार्टी और पार्टी करके हम निकल जाना वापस यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकना है क्योंकि रेनिंग टाइम में पहाड़ों में रुकना बिल्कुल घातक हो सकता है ख़तरनाक हो सकता है तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे पार्टी करके निकल जाएंगे।